दोस्तों यूपी में इलेक्शन आने वाला है और आपको क्या लगता है कि इस साल क्या होगा, इस बार क्या होगा? दोस्तों यूपी में योगी सरकार से पहले, बीजेपी सरकार से पहले लोकल पार्टियां वहां पे राज करती थी। कुछ साल मुलायम सिंह की सरकार राज की, कुछ साल मायावती की सरकार राज की, और दोनों की ही सरकार वहां की जनता ने देख रखा है कि वो दोनों कैसे शासन करती है वहां पे। और उसके बाद उन्होंने योगी जी को मौका दिया यूपी में, और योगी जी ने मेरे हिसाब से बहुत कुछ अलग करने की कोशिश करी है और बहुत कुछ अलग किया भी है। जैसा उम्मीद था उनसे कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो ऐसा ऐसा एक्शन ले सकते हैं, ऐसा ऐसा कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से जैसी उम्मीद थी उनसे, उससे कई ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करी है, कई ज्यादा अच्छा उन्होंने किया भी है। दोस्तों आप सभी को पता होगा योगी जी कैसे है, और मेरे हिसाब से देश की जनता को भी कुछ ऐसा ही लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के बाद अगर देश का कोई प्रधानमंत्री बनने योग्य है तो वो है योगी जी। तो दोस्तों इससे साफ साफ पता चलता है यूपी में होने वाले इलेक्शन का क्या नतीजा रहेगा। साफ यही दिखता है कि फिर से योगी जी की सरकार बनेगी, फिर से यूपी में बीजेपी की सरकार बनेगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि योगी जी से अच्छा मुख्यमंत्री यूपी का कोई हो ही नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, यूपी कैसा राज्य है यह आप सभी को पता होगा, राज्य है नहीं, राज्य था, कैसा राज्य था यह आप सभी को पता होगा। मैं आपको बता देता हूं कि यूपी एक ऐसा राज्य था जहां पे जाने से लोग डरते थे। लोगों का कहना है कि यूपी से अगर कोई ट्रेन गुजर रही है, बिहार से कोई ट्रेन गुजर रही है, तो वो ट्रेन खतरे में है, उस ट्रेन में बैठना बहुत ज्यादा रिस्की है। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि यूपी कैसा होगा, और योगी जी की सरकार ने उन सभी माफिया को खत्म करने की पूरी कोशिश करी, माफिया राज को खत्म करने की पूरी कोशिश करी, और अभी तक उनकी सफाई चल रही है। मतलब आप समझ सकते हो कि यूपी में कितने माफिया थे और अभी भी कितने माफिया बचे रह गए, और उनकी भी सफाई करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। और दोस्तों दूसरी तरफ बात करूं, जो सबसे मुख्य है वो ये है कि क्या आपके जहन में कभी ये आया कि हमें यूपी घूमने जाना है? अगर आया होगा तो सिर्फ यही इस वजह से आया होगा कि मुझे यूपी घूमने जाना है, आगरा का ताजमहल देखने या बनारसी कुछ घाट कुछ मंदिर जाने की इच्छा रही होगी। क्या बाकी जगह कभी घूमने की इच्छा आया है आपके जहन में? मेरे हिसाब से नहीं आया होगा। लेकिन अब लोगों की नजर यूपी की ओर बदल चुकी है, लोग यूपी जाना चाहते हैं। कहां पे? मथुरा। लोग यूपी जाना चाहते हैं अयोध्या मंदिर, लोग यूपी जाना चाहते हैं बनारस में, बनारस के मंदिरों में, लोग यूपी जाना चाहते हैं प्रयागराज में, लोग देखना चाहते हैं कि वहां पे कैसी सुविधा करती है, क्या सुविधा वहां की सरकार देती है कुंभ के मेले में। दोस्तों आज के कुछ साल पहले यूपी सिर्फ और सिर्फ आगरा के ताजमहल के लिए फेमस था। लोग यूपी जाना सिर्फ आगरा के ताजमहल देखने चाहते थे, लोग यूपी सिर्फ इसलिए जाना चाहते थे कि उन्हें आगरा का ताजमहल देखना होता था। पर आज लोगों की नजर बदल चुकी है, लोग आज यूपी जाना चाहते हैं धार्मिक स्थान पर, भगवान को याद करने। जी हाँ दोस्तों, आप समझ सकते हो कि वहां की सरकार ने इस चीज पे कितना ज्यादा फोकस किया है, कितना ज्यादा मेहनत किया है कि लोगों की नजर बदल सके। यूपी जिस चीज के लिए फेमस था पहले, कई साल पहले, आज उसी चीज के लिए फेमस है अब। तो दोस्तों इसे साफ पता चलता है कि वहां की सरकार ने क्या किया है। लोग तो कहेंगे ही कि वहां की सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन सोचना आपको है कि आपको क्या लगता है कि यूपी की सरकार ने कुछ किया है या नहीं किया है। मेरे हिसाब से तो किया है वहां की सरकार ने बहुत कुछ, अभी भी करने की बहुत कुछ कोशिश कर रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि यूपी में होने वाले इलेक्शन का क्या नतीजा रहेगा, इस बार किसकी सरकार बनेगी यूपी में? क्या यूपी में फिर से योगी जी की सरकार बनेगी? क्या यूपी में फिर से योगी राज आएगा? आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपको लगता है कि यूपी में योगी जी की सरकार आएगी, यूपी में फिर से बीजेपी आएगी, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि लोगों को पता चल सके कि यूपी में सरकार ने क्या बदलाव किया है और क्या बदलाव करना चाहती है और कैसे लोगों की नजर बदलने की कोशिश करी है। दोस्तों मैं ऐसे टॉपिक को वीडियो बनाता रहता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाए। दोस्तों फिर मिलूंगा आप सभी से मैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। I'm